Hello, welcome to Dr. Chajlani's video series. This presentation is on how to grow money plant in water. Dr. Chajlani ki video shankhla mein aapka swagat hai. Is baar hum money plant pani mein kaise ugaya ja sakta hai evam dusre paudhe kaise ugaye ja sakte hain उस पर चर्चा करेंगे. बोतलों में या शीशियों में लगे हुए पौधे जो हैं वो घर की रौनक बढ़ाते हैं. उन्हें हम खिड़कियों पे, अलमारियों के ऊपर, टांग पे, ऐसे कई जगह रख सकते हैं जहाँ से वो झालर की भांति लटकते हैं और घर में एक हरियाली बढ़ाने का काम करते हैं. हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है यह लगाने के लिए? हमें एक कांच या प्लास्टिक की शीशी चाहिए, रेत, एक कुप्पी जिससे हम रेत को शीशी में डाल सकें, पौधा जो हम लगाना चाहते हैं उसकी कटिंग्स, कैंची, पानी, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है. इन सामग्री को हम एक जगह एकत्र कर लें और फिर इस काम को शुरू कर सकते हैं. सबसे पहले एक शीशी ले लें जिसका ढक्कन निकाल लें. फिर उसमें नीचे से, अगर मान लीजिए सॉस की बोतल है या स्क्वॉश की बोतल है, तो उसमें 2 से 3 इंच रेत डाल लें. इसमें ध्यान दें कि मिट्टी नहीं डालें क्योंकि वो पानी को मटमैला करती है. उसके बाद इस बोतल को पानी से भर लें. फिर जिस टहनी को या जिस शाखा को हम इसमें कटिंग के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको जो कटान है वहाँ पे काट लें और वो हिस्सा अंदर जाएगा और नीचे के 3 या 4 पत्तियाँ निकाल लें और फिर इसको हम शीशी में डाल लें और हमारा शीशी में लगाने वाला पौधा तैयार है. हम ये बहुत सारे पौधे हैं जिनको शीशियों में लगा सकते हैं, जैसे ड्रेसिना, मॉन्स्टेरा, मनी प्लांट, सिंगोनियम, ट्रेडस्केंथिया, ब्राह्मी, फाइकस रेटूसा, फिलोडेंड्रॉन, पेप्रोमिया, एग्लोनीमा, कोलियस, मूसली या क्लोरोफाइटम, इस तरह के अनेक पौधे हैं जिनको हम शीशियों में लगा सकते हैं और हम अपनी रुचि के अनुसार इन शीशियों को अलग अलग जगह रख सकते हैं. विशेष जिन बातों का ध्यान रखना है कि शीशियाँ खिड़की के पास या ऊंचे स्थान पर लगाएं जहाँ ट्यूबलाइट या अन्य रोशनी का माध्यम बना रहे. अगर हम बहुत ज़्यादा रोशनी में लगाते हैं तो इन शीशियों में काई पड़ सकती है. ये अच्छी हरियाली देते हैं क्योंकि अगर जो रोशनी आती है, अगर हम अच्छी रोशनी वाली जगह पर हैं तो खूब हरे रहते हैं झाड़ और इनका आनंद आता है. हमको इनमें किन बातों का ध्यान रखना है? एक, जैसा बताया कि इनको खिड़की के पास रखना है. इनमें हर 5 से 15 दिन में पानी देने की आवश्यकता है. अगर ये ज़्यादा ऐसे जगह पे हैं जहाँ रोशनी कम है तो इनको हफ्ते में एक बार बाहर ले जा कर रख दें. अगर झाड़ अच्छे से नहीं चल रहा है तो इसकी जड़ निकाल के देख लें. अगर वो काली पड़ रही है तो फिर उसको काटने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर इसमें काई उग रही है तो हमें इसको खिड़की से दूर करना पड़ेगा. ये झाड़ 1 से 2 साल चलते हैं और इन्हें 1 से 2 साल में बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है. धन्यवाद इस वीडियो श्रृंखला में अपना समय देने के लिए. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो. थैंक यू एंड गुड बाय.